दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कनकलता बरुआ जी के बारे में, जो 18 साल की उम्र में हाथ में तिरंगा लेकर शहीद हो गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों की कतार बहुत लंबी है। इसमें कम उम्र के क्रांतिकारियों में से सबसे पहला नाम भगत सिंह का आता है। कनकलता बरुआ उन वीरांगनाओं में से हैं जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में त्याग व बलिदान से इस बात को साबित कर दिया कि देशभक्ति और देश के लिए शहादत देने की कोई उम्र नहीं होती। असम के कृष्णकांत बरुआ के घर में 22 दिसंबर 1924 को कनकलता का जन्म हुआ था। 5 वर्ष की उम्र में उनकी माँ कर्णेश्वरी का निधन हो गया। पिता ने दूसरा विवाह किया, मगर कुछ वर्षों बाद पिता कृष्णकांत और दूसरी माँ का भी देहांत हो गया। अल्प आयु में माता पिता के गुजर जाने के बाद कनकलता की नानी ने उनका पालन पोषण किया। कनकलता घर गृहस्थी के कामों में भी हाथ बटाती और पढ़ाई भी करती थी। असम के प्रसिद्ध कवि ज्योति प्रसाद अग्रवाल, जिनके असमिया भाषा में लिखे गीत घर घर में लोकप्रिय थे, कनकलता इन गीतों से काफी प्रभावित और प्रेरित रहती थी। इन गीतों ने कनकलता के बाल मन में राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित किया। मई 1931 में असम में गमेरी गांव में विद्यार्थियों के सहयोग से रैयत सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ज्योति प्रसाद अग्रवाल कर रहे थे। कनकलता मात्र 7 साल की उम्र में अपने मामा देवेंद्रनाथ और यदुराम के साथ उसमें शामिल हुई। बाद में इस सभा में भाग लेने वालों को राष्ट्रद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया गया, जिसकी आग असम के चारों तरफ फैल गई। मुंबई में जब 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, तब यह देश के कोने कोने में फैल गया। असम के शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने जब नेतृत्व संभालते हुए एक गुप्त सभा की, जिसमें 29 सितंबर 1942 को तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया। कनकलता की उम्र उस समय विवाह के योग्य हो चुकी थी। कनक ने विवाह के अपेक्षा भारत की आज़ादी को अधिक महत्वपूर्ण माना, क्योंकि उनको अपनी मंजिल मिल चुकी थी। आत्म बलिदानी जत्था थाने के करीब पहुंची, जिसके पीछे जुलूस के नारे गूंज रहे थे। उस जुलूस के सदस्यों में कचहरी पर झंडा फहराने की होड़ सी मची हुई थी। थाना प्रभारी ने कहा, 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। कनकलता जैसे ही तिरंगा लेकर आगे बढ़ी, वैसे ही जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी गई। पहली गोली कनकलता की छाती पर लगी, जिसे बोगी कचारी नाम के सिपाही ने चलाई थी। दूसरी गोली मुकुंद कालोती को लगी, जिसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इन दोनों के मृत्यु के बाद भी गोलियां चलती रहे। हेमकांत बरुआ, खरगेश्वर बरुआ, सुनीश्वर राजखोआ और भोला भरदेले गंभीर रूप से घायल हो गए। उन युवकों के मन में स्वतंत्रता की अखंड ज्योति प्रज्वलित हुई, जिसके कारण गोलियों की परवाह न करते हुए वे आगे बढ़ते गए। कनकलता गोली लगने पर गिर पड़ी, किंतु उनके हाथों का तिरंगा झुका नहीं। उनकी साहस व बलिदान देखकर युवकों का जोश और भी बढ़ गया। कनकलता के हाथ से तिरंगा लेकर गोलियों के सामने सीना तानकर वीर बलिदानी युवक आगे बढ़ते गए। एक के बाद एक गिरते गए, किंतु झंडे को न तो झुकने दिया न ही गिरने दिया। उसे एक के बाद दूसरे हाथ में थामते गए और अंत में रामपति राजखोआ ने थाने पर झंडा फहरा दिया। 20 सितंबर 1942 को तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश में भीड़ पर जब गोलियां दागी गई, तब कनकलता बरुआ भी शहीद हो गई। शहीद मुकुंद काकोती के शव को तेजपुर नगर पालिका के कर्मचारियों के गुप्त रूप से दाह संस्कार कर दिया। तमाम स्वतंत्रता सेनानी कनकलता के शव को अपने कंधों पर उठाकर उनके घर तक ले गए। उनका अंतिम संस्कार बर रंगबड़ी में ही किया गया। कनकलता बरुआ का बलिदान और इस देश के लिए उनका संघर्ष इस रूप में याद किया जाना चाहिए कि देश के लिए देशभक्ति और अपना सब कुछ निछावर करने के लिए ना तो उम्र की कोई बाधा होती है और ना ही उस परिवेश में बंदिशें होती है जिसमें आप पले बढ़े हैं। देश के लिए समर्पित एक जज्बा ही काफी है अपना सब कुछ निछावर करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।